नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाल ही में पाकिस्तान ने अबाबिल नाम की एक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को लेकर पूरे देश में खुशी है, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति, उनकी सेना में खुशी है। इस खुशी का कारण क्या है? इस खुशी का कारण है भारत। भारत ने बहुत पैसे लगाकर रसिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। जी हाँ, उनका कहना ये है पाकिस्तान का कि जो भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम है उसे ये बिल्कुल आसानी से बिना किसी दिक्कत के चकमा दे सकती है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है और ये भारत के बहुत बड़े हिस्से को तबाही कर सकती है। अबाबिल का नाम होता है काली चिड़िया और अगर हम इसकी बात करें लंबाई की तो 21.5 मीटर की लंबाई है और चौड़ाई की बात करें तो 1.7 मीटर है। ये कई तरह से हमला कर सकती है। पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपति की कोई ठिकाना नहीं है खुशी का, जब से ये मिसाइल का इन्होंने सफल परीक्षण किया है। इससे पहले पाकिस्तान में अबाबिल नाम से जिन ड्रोन का डिज़ाइन किया गया था, अब उसी के नाम से अबाबिल मिसाइल बनाई गई है। पहले अबाबिल नाम को दिया गया था ड्रोन को, लेकिन इसके अलावा अबाबिल 5 ड्रोन 5 किलो तक का वजन उठा सकता है। अगर हम बात करें अबाबिल जो पहले ड्रोन बनाया गया था वो 5 किलो तक का वजन उठा सकता है और इसमें से 2 मोर्टार को लोड किए जा सकते हैं। पहला मोर्टार SS, दूसरा 18 mm का गोला। ये अबाबिल मिसाइल से इतर 30 किलोमीटर की रेंज को उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो ये सारा काम ये मिसाइल कर सकती है। इस मिसाइल के आ जाने से पाकिस्तान में जहां एक तरफ बहुत बड़ी खुशी है, वहीं भारत में अपने डिफेंस को लेकर कहीं ना कहीं चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि ये इनका दावा है, लेकिन इनके दावे को कई देशों ने भी यहां पे पुख्ता किया है कि हाँ, ये मिसाइल ये काम कर सकती है। अगर भारत का S-400 फेल होता है तो ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत ने इस पर अरबों रुपया खर्च करके इसे खरीदा था बेसिकली चीन के लिए, लेकिन अब ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया, वैसे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, भारत के लिए दोनों एक ही तरह के हैं। तो यहां पर अभी भारत को सोचना पड़ेगा कि अब और क्या किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान ने इस बार बहुत बड़ा धमाका किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब आप इस मिसाइल के बारे में और क्या जानना चाहते हैं या किस तरह से आपको ये खबर लगी, वो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आप अपने भारत के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि भारत डरने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल भारत इसका भी तोड़ बड़े आसानी से निकाल लेगा, क्योंकि फिलहाल ये अगर इनका कहने के माना जाए तो S-400 की पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है चाइना के S-400 से इन्होंने टेस्ट किया हो या कहीं से भी। तो इनका दावा ये है कि ये S-400 को पूर्णतया चकमा देने में सक्षम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।